सहयोग कार्यक्रम के द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे। उन्होंने साफ तौर पर उन्हें डमी मुख्यमंत्री बताया, मेन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बताया, जिनके आने के बाद बिहार में हत्या, लूट, गैंगरेप जैसी घटनाएं होंगी, रंगबाजी जैसी, शराब माफिया, बालू माफियाओं के बोलबाला होंगे, और कुछ क्या कहा पहले सुनिए सम्राट चौधरी ने। तो महान जनता नालंदा का तय करेगी, लेकिन स्पष्ट रही है जब नीतीश कुमार जी की पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा तो वो कहां से जीतेंगे। 2004 के बाद नीतीश कुमार नेता है, इस पे कहां कोई प्रश्न है भाई। बिहार की जनता ने 18 साल से मुख्यमंत्री बना के रखा है, लंबे समय तक बिहार की सेवा किया है, लेकिन मैंने ये कहा है कि 2013 के बाद नीतीश बाबू सिर्फ सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि पूरी तरह जनता दल यूनाइटेड को जीरो पर आउट करना है। इसलिए भी आउट करना है कि अब बिहार की राजनीति में नीतीश बाबू अप्रासंगिक हो चुके, उनके पास कोई वोट नहीं है, लालू जी के वोट से चुनाव नहीं जीत सकते। तो सुना आपने कि किस तरह से एक बार फिर से हमलावर दिखे, और नीतीश कुमार के जो कार्यकाल है उनकी खासियत भी बताए, कैसे मुख्यमंत्री बने और किसके रहमो करम पर मुख्यमंत्री बने उनको भी बताया, साथ ही साथ आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के एक बार फिर से सामने आए और बोले कि अपराधियों के साथ कभी भी बीजेपी खड़ा नहीं रहेगा, अपराधियों को कभी भी बीजेपी का साथ नहीं मिलेगा। फिलहाल इतना ही, बने रहे कृष्ण के साथ पटना से गीता शंकर रिपोर्ट।